हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास की पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को पाठ्य योजना चाहिए या किसी भी क्लास का, या फिर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ या फिर सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या, इसी तरीके से आपको जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अगला हेडिंग यहाँ पर लिखना है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, कक्षा छठवीं है, वर्ग अ है, ब है, जो भी आपका वर्ग होगा उसको लिखिएगा। वैसे जो आज का हमारा प्रकरण है सिकंदर, वो कक्षा 6-7 तीनों में पढ़ाया जा सकता है। विषय इतिहास का है। चक्र यहाँ पर देखिए लिखा गया समय चक्र छठवां, इसी को ही कालांश भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। अवधि यहाँ पे 40 मिनट का है, आपका जितना भी कॉलेज वाले जितना समय दें आपको पढ़ाने के लिए उतना समय लिखिएगा। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बारे में आपको पढ़ाना है बच्चों को आज। अब इसके बाद देखिए लिखा गया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के सामने लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य आपका। इसके पहले अगर आप इतिहास की पाठ्य योजना बना चुके हैं या फिर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसमें सामान्य उद्देश्य जो भी लिखे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। पूर्ववत लिखने के बाद दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, जिससे समय बचता है और पेज भी आपका बचता है। विशिष्ट उद्देश्य अगली हेडिंग है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक के अनुसार बदलता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर, तो सिकंदर वाले टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 2-3 पॉइंट और मैक्सिमम 5-6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र सिकंदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोधात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र सिकंदर एवं उसके कार्यों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र सिकंदर के बारे में बता सकेंगे। चौथा हेडिंग है, अब यहाँ पे सहायक सामग्री आती है अलग से, ये अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपकी जो शिक्षण कार्य में जो जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण के दौरान, 40 मिनट की क्लास जो जैसे यहाँ पे है, तो उसके दौरान जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण करने के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है। देखिए लिखा गया सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव का बना चार्ट, और यहाँ पे उसके अलावा कच्छ उपयोगी समस्त सामग्री जिसमें आता है चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये लिख सकते हैं आप। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र सिकंदर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पूर्व ज्ञान के बाद लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। अब इसके बाद देखिए आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को इस तरीके से आप बीचों बीच भी लिख सकते हैं यहाँ किनारे की जगह पे। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। प्रश्न इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, लिंगराज मंदिर किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे भारत आपको लाना था तो भारत इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न भी बनेगा, प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले बाह्य आक्रमणकारियों के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे ईरानी, यूनानी, फारसी आदि। तीसरा प्रश्न है प्रथम यूनानी आक्रमणकारी कौन था, बच्चे बोलेंगे सिकंदर, इतना तो बच्चों को पता है। अब जैसे सिकंदर आपका आया प्रकरण, वैसे चौथा प्रश्न पूछिए, सिकंदर के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में बताइए, विस्तारपूर्वक बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। मौन के आगे समस्यात्मक प्रश्न भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर उद्देश्य कथन तुरंत आपको बोलना होता है, छात्रों आज हम लोग सिकंदर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब अपने छात्रों को आपके पता चल गया कि वो आप उनको सिकंदर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुतिकरण में यहाँ लिखा गया है, अध्ययन अध्यापन की सुविधा है, पाठ को 2 अनुमितियों में बांटा गया, यानी कि 2 बार में, यानी कि 2 पीरियड्स में इसको कंप्लीट करा जाएगा। एक ही पीरियड में आप बड़ा चैप्टर है तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो प्रथम अनुमिति देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है, इसको यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और सैंपट कार्य। पहला यहाँ पर शिक्षण बिंदु है जीवन परिचय। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, बच्चे बोलेंगे सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसापुर में हुआ था। दूसरा प्रश्न, सिकंदर किसका पुत्र था, बच्चे बोलेंगे सिकंदर फिलिप का पुत्र था। तीसरा प्रश्न है सिकंदर के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे। मौन होते ही आप अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण स्टार्ट कर सकते हैं, यूनान के भाग में मैसिडोनिया का एक पहाड़ी राज्य था, पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्ष की अल्पायु में वह राजा बना, वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसने अपने शासनकाल में
शासनकाल के 2 वर्ष यहाँ पे मैसिडोन में बिताए और यूनान की ओर बढ़ा तथा थिब्ज को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों ने उसे अपना स्वामी मान लिया। यह हो गया स्पष्टीकरण। अब यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। दूसरा शिक्षण बिंदु देखे लिखा गया सिकंदर का भारत पर आक्रमण। विकासात्मक प्रश्न में चौथा प्रश्न जो पहले 3 पूछ चुके थे, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे अगला चौथा प्रश्न पूछेंगे सिकंदर कैसा शासक था। बच्चे बोलेंगे सिकंदर महत्वाकांक्षी शासक था। पांचवा प्रश्न सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, बच्चे को नहीं बताया है तो मौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब स्पष्टीकरण देना आपका कार्य बनता है। सिकंदर ने भारतीय विजय की अभिलाषा अपने पिता फिलिप द्वितीय की पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त की थी। सिकंदर ने भारत का विजय अभियान 326 ईसा पूर्व आरंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तक्षशिला के राजा आरंभी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। आम्भी ने हाथियों सहित अनेक बहुमूल्य उपहार नतमस्तक होकर सिकंदर की सेवा में अर्पित किया। सिकंदर और पेरू में के मध्य युद्ध हुआ। बहुत प्रश्न है अब यहाँ पे। पहला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, बच्चे बोलेंगे 326 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है तक्षशिला के राजा कौन थे, बच्चे बोलेंगे आम्भी। तीसरा प्रश्न सिकंदर कितने वर्ष की आयु में राजा बना, बच्चे बोलेंगे 20 वर्ष की आयु में। चौथा प्रश्न सिकंदर ने मैसिडोन के शासन के कितने वर्ष बिताए, बच्चे बोलेंगे 2 वर्ष। निरीक्षण कार्य है, निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका छात्रों से सैंपट सार उतारने को कहेगा तथा कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगा। अब आता है आपका द्वितीय अनुमिति, दूसरे दिन आप जो पढ़ाएंगे इसमें सेम वैसे ही कॉलम बनाने हैं आपको। अगला शिक्षण बिंदु है झेलम का युद्ध। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे पोरस कहाँ का शासक था, बच्चे बोलेंगे पोरस पंजाब का शासक था। सातवां क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था, सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस। आठवां प्रश्न है झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो अब अगला यहाँ पे प्रश्न आप अब स्पष्टीकरण देंगे, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ में पढ़ूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। पोरस पंजाब का शासक था जिसने सिकंदर से युद्ध करना पड़ा, जिसे झेलम के युद्ध से के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर अपने 5,000 यहाँ पे प्रभावशाली अरबरोही सेना के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ा और पोरस की पराजय हुई। सिकंदर थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत में लौटा। उसकी मृत्यु 325 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि लौटते उसकी मृत्यु हो गई। चौथा सिकंदर यहाँ पे शिक्षण बिंदु सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। नौवां क्वेश्चन विकासात्मक में राजनीतिक क्षेत्र में से अधिक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव किस क्षेत्र पर था, बच्चे बोलेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र पर। दसवां प्रश्न सिकंदर के आक्रमण से और क्या क्या प्रभाव पड़े, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो अपना अगला यहाँ पे स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। स्पष्टीकरण है सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वारा यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद आता है आप फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे झेलम के युद्ध में कौन पराजित हुआ, बच्चे बोलेंगे पोरस। अगला प्रश्न है यहाँ पे सिकंदर के आक्रमण के से भारतीय सिक्कों पर किसकी शैली का प्रभाव पड़ा, यूनानी शैली का सिक्कों हैं ये। तीसरा प्रश्न है भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा, बच्चे बोलेंगे यूनान के लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब फिर से निरीक्षण कार्य आता है इसका, निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्रों से सैंपट सार उतारने को कहेगी या फिर कहेगा तथा कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा गया सिकंदर का सेनापति कौन था, ठीक है। दूसरा प्रश्न सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की। तीसरा प्रश्न सिकंदर कितने वर्ष की आयु में राजा बना। और चौथा प्रश्न पुरु राज्य किन नदियों के बीच में था। ये हो गया पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब आपका आता है यहाँ पे गृह कार्य में देखिए लिखा गया है यहाँ पे झेलम के युद्ध के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखकर लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।